मध्य प्रदेश में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुए दो दिन ही बीते थे कि शिवराज की नई टीम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन अब एक सवाल सूबे की कैबिनेट को लेकर भी गूंज रहा है। वो सवाल है कि किस मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस सवाल के जवाब को लेकर मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि अब विभागों के बंटवारे का फैसला दिल्ली में होगा। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद हर चीज में वक्त लिया जा रहा है। पहले शिवराज अकेले सरकार चला रहे थे, जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो 5 मंत्रियों के साथ सरकार चलाई और फिर 72 दिन बाद अपने कैबिनेट का विस्तार किया। अब कैबिनेट का विस्तार 2 जुलाई को हो गया है, पर 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। विभागों के बंटवारे पर मंथन का दौर जारी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक 14 मंत्रियों में से ज्यादातर को महत्वपूर्ण विभाग दिलवाना चाह रहे हैं। वहीं बीजेपी के मंत्री अधिकांश महत्वपूर्ण विभागों पर काबिज होना चाहते हैं। इसके कारण गतिरोध बना हुआ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई बार बात कर चुके हैं। इसी बीच अब खबर है कि विभागों के वितरण को लेकर उपजे गतिरोध को दिल्ली में पार्टी आलाकमान ही दूर करेगी, जिसके चलते एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में चर्चा करेंगे। वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर ये मुद्दा सुलझाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को परिवहन, वाणिज्यिक कर, महिला बाल विकास और सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, वित्त और वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिलवाने पर अड़े हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण विभाग सिंधिया समर्थकों को नहीं देना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया और उनके समर्थकों को नाराज भी नहीं करना चाहती। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद क्या रास्ता निकाला जाता है जिससे पार्टी को बिखराव की स्थिति से बचाया जा सके, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।